नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का, जो अनुज प्रताप सिंह को मार गिराने के बाद एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर किए जाने के आरोपी में एक और कड़ी जोड़ दी है। जी हां, अब तो ऐसा लगता है कि जातिगत एनकाउंटर पर विवाद शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ताजे एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद यूपी की सियासत में बवाल मच गया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में सुबह होते होते आज फिर उन अपराधियों का कलेजा कांप उठा जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। घटना को अंजाम देने वाले आज कई हाथ रुक गए होंगे, क्योंकि यूपी पुलिस इन दिनों अपराधियों को पाताल लोक भेजने का पूरा मन बना चुकी है। जी हां, आज तड़के उन्नाव में अमेठी निवासी अजीत प्रताप सिंह नाम के बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। ये खबर जैसे ही सामने आई, सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि अपराधियों की जाति का बाजारीकरण करने वाले सियासतदान भूल गए थे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमान बाबा के हाथ में है। आज आप देख रहे होंगे, ये माफिया छिड़खिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान रखस दो, बस आगे से फेरी लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राज चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर, कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाए और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। अखिलेश की ईंट का जवाब सीएम ने पत्थर से दिया। सीएम योगी का साफ कहना है कि यूपी में किसी भी सूरत में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर अपराधी चाहे जिस धर्म का हो। वही सियासतदानों के जातीय लड़ाई के बीच एक पिता ने भी अपनी बात सामने रखी है। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अनुज प्रताप सिंह के पिता ने कहा कि अब अखिलेश यादव खुश हो गए होंगे। तो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद से एनडीए के सहयोगी दल अब सपा को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में सिर्फ अपराध का खात्मा होता है, चाहे अपराधी जिस भी जाति का हो, उसका सफाया तय है। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तगणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की सीनात अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1,00,000 का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम और थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सारी राजनीति जाति से शुरू होती है और जाति पर ही समाप्त होती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घोषित नीति है कि हम अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। अपराधी चाहे किसी जाति का हो, वर्ग का हो, समुदाय का हो, रुतबे का हो, प्रतिष्ठा का हो, उसकी इन सारी चीज़ों को देखे बिना केवल अपराध के आधार पर ही उस पर कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है कि इस अपराध में भी जाति को देखने की
समाजवादी पार्टी को अपनी राजनीति खत्म करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस पूरे एनकाउंटर पर फिर से सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल इस एनकाउंटर की चिंगारी इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है, अभी इस एनकाउंटर पर सियासत होना अभी बाकी है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलाने के आरोपों पर घमासान मचा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पूरे मामले के एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं, तो आज तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। इस विवाद का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है, देखिए रिपोर्ट। मिलावट वाले घी से मंदिर की भंग हुई अस्मिता को फिर से पवित्र किया जा रहा है। इसके लिए मंदिर प्रांगण में महाशांति होम किया जा रहा है। शुद्धिकरण के बाद 4 अक्टूबर से ब्रह्मोत्सव शुरू होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू इस ब्रह्मोत्सव में शामिल होंगे और सनातन के प्रति अपनी आराध्य आस्था को स्थापित करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिन का प्रायश्चित उपवास शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 11 दिन की तपस्या शुरू कर दी है। इस बीच टीटीडी ने दावा किया है कि मंदिर में लड्डू की पवित्रता को बहाल कर दिया गया है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि जब ऐसी घटना इतने बड़े मंदिर में हो सकती है तो क्या इससे देश के और मंदिर अछूते होंगे? मंदिर में प्रसाद कितना साफ, क्या मंदिर में चढ़ाया जा रहा भोग शुद्ध घी से बन रहा, क्या ब्रांडेड दुकानों पर बन रही मिठाइयां शुद्ध है, क्या घर में इस्तेमाल होने वाला आपका घी शुद्ध है, पूजा के स्थान पर जलाया जाने वाला घी शुद्ध है? तिरुपति बालाजी मंदिर में घी की गुणवत्ता पर जब सवाल उठे तो पूरे देश में घी चर्चा में आ गया। हर जगह घी की फैक्ट्रियों पर छापा पड़ने लगा, घी की शुद्धता की जांच की जाने लगी है। चंद्रबाबू नायडू को जहां जहां घी में जगन मोहन रेड्डी को निपटाने का चांस दिख रहा है, राहुल गांधी को करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट दिख रही है, तो वही बीजेपी को घी में हिंदुत्व का घी जलाने की आस नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में घी पर उठे सवाल के बाद अब पूरे देश में घी को लेकर जांच का दायरा बढ़ चुका है। इसकी आंच अब मथुरा में भी दिखाई दे रही है। मथुरा मंदिर की सैंपलिंग लेने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने यहाँ मिलने वाले लड्डू में मिलाए जाने वाले खोए की जांच के लिए कहा है। क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से, जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड एडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं फूड एडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहां पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। इन सब के बीच यूपी के मंदिरों के प्रबंधन ने एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी घर के बने प्रसाद को ले जाने की अनुमति दे दी गई है। पहले तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में मंदिरों में चढ़ने वाले प्रसाद की जांच की, इसके बाद मनकामेश्वर मंदिर प्रबंधन ने अब राजधानी के प्रतिष्ठित मनकामेश्वर मंदिर में बाहर के प्रसाद पर रोक लगा दी गई है। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से मंदिर में वहाँ के प्रसाद में जिस तरीके से वहाँ पे जानवरों की चर्बी और उसके साथ साथ में मछली का तेल मिलावट किया गया, और उसके साथ में आज पूरे देश के मंदिरों में बिल्कुल पूरी तरीके से वो मामला तूल पकड़ता जा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर की महंत हैं महंत देव्यागिरी जी, मैं उनसे बात करूँगा। महंत जी, जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट पाया गया, वहाँ पे चर्बी पाई गई उस प्रसाद में मंदिर में, और उसके साथ में मछली का तेल भी मिलावट किया गया था, तो इसको लेकर लखनऊ के मंदिरों में खास करके मनकामेश्वर मंदिर में अभी निर्देश जारी किया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हुआ
वो अन्य जगह हो या लखनऊ खासकर, चूँकि हर एक मठ मंदिर दुकानों से सजीत रहता है, उसको प्रसाद उस खास दिन लेना ही होता है, या हम लोग जो हिंदू पर्व त्यौहार पड़ते हैं उनमें सब में प्रसाद की अधिकता रहती है। तो घी के अलावा भी आप जिन प्रसादों को बना सकते हैं, जैसे पुआ बन सकता है, हलवा बन सकता है, खीर बन सकती है, जो शुद्ध हो, जो आप भी शुद्धता के साथ में ईश्वर को अर्पण कर पाएँ और आप स्वयं भी खा पाएँ, ऐसे प्रसाद का आप चयन करिए और भगवान को वही भोग लगाइए जो शाकाहार को मेंटेन कर सके। जी, जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में मामला सामने आया है, कहीं कहीं तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसी की कमेटी की वहाँ पे जो प्रसाद है वो कमेटी के द्वारा ही बनाया जाता है। देखिए, ये तो एक बड़ा मामला है और आस्था पे बहुत बड़ा आघात भी है, परंतु अगर हम अपने पर्व त्योहारों को देखें, खासकर जो हिंदू धर्म के पर्व त्योहार होते हैं, चूँकि उनमें मिठाई की खपत अत्यधिक होती है, तो भ्रष्टाचार किस स्तर पे, किस संख्या या किस मात्रा में होता है, ये तो अकथनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी। इन्होंने कहा, साफ साफ निर्देश दिया कि मनकामेश्वर मंदिर में सिर्फ और सिर्फ अब मेवा या सूखे प्रसाद, उसके साथ साथ में फलों का प्रसाद यहाँ पर चढ़ेगा, उसी का भोग लगेगा, और जो गीला प्रसाद है, लड्डू है या बर्फी है, इस तरीके के प्रसाद अब मंदिर में बैन कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी लखनऊ। डालीगंज स्थित मनकामेश्वर मंदिर की महंत देव्यागिरी ने मंदिर के बाहर नोटिस चस्पा कराई है, जिसमें निर्देशित किया गया है कि मंदिर में बाहर का प्रसाद लाने पर प्रतिबंधित है। हालांकि नोटिस में भक्तों को सहूलियत देते हुए उन्हें घर का बना हुआ प्रसाद लाने की अनुमति दी है, हालांकि खरीदे हुए सूखे मेवा चढ़ाने की अनुमति दी है। मंदिर प्रबंधन के इस फैसले के बाद मंदिर के बाहर लगने वाली दुकानदारों में नाराजगी है। अब भैया, इसके बारे में क्या बताएं, अभी तो सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। अभी तो ऐसे महान जी से हम तो यही कह रहे हैं कि ये प्रथा ले लीजिए वापस। यहाँ पे तो हम लोगों को बनाते नहीं, यहाँ खोए का पेड़ा बनता है, बर्फी बनती है, नारियल का लड्डू बनता है, यही सब चढ़ता है यहाँ पे। यहाँ बेसन का प्रयोग करिए, मतलब होता है तो मतलब जो यहाँ के नहीं लोग जो हनुमान सेतु तो ले जाते हैं उनके लिए बनता, बाकी वरना यहाँ सब गरी और पेड़ा खोए का बनता है बस। उत्तर प्रदेश को लेकर कल ही हमने देखा है कि मिलावट को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर छापे मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार सजग है और यहाँ के मंदिरों ने भी आगे बढ़ के इस प्रकार की व्यवस्था की है कि बाहर के प्रसाद को स्वीकार न करते हुए सूखे मेवे का प्रसाद चढ़े, लोग घर से आने के लिए घर से लेकर प्रसाद आएँ और उसे चढ़ाएँ। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का समाज और सरकार इस बारे में सक्रियता से काम कर रहा है। देखिए, हमको लगता है कि जो तिरुपति बालाजी का लड्डू मिला है और पता किया है कि उसमें गाय की चर्बी पाई गई है, तो हमको लगता है कि वो जो अल कबीर जो है, यहाँ पर गायें काटी जाती हैं, विदेशों को माल सप्लाई किया जाता है, तो स्लाटर हाउस जो है अल कबीर, लगता है कि वहीं से जो है कि चर्बी ला करके जो है कि वहाँ तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलाया जाता है। क्योंकि आप पता कर लीजिए, नाम तो अल कबीर है लेकिन 11 के 11 जो उसके डायरेक्टर हैं, सभी के सभी जो हैं मनु वंशज हैं, सभी के सभी सवर्ण हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। और ब्रजभूषण सरंग सिंह अंगुली उठा रहे, इस तरह की उठा रहे हैं, तो यह सच चीजें हैं। आप चले जाइए कानपुर में, मैं देखता हूँ, और उन्नाव के कटरी के बेल्ट में देखता हूँ, वहाँ पर पूजा वाला घी मिलता है। हमारे यहाँ घी जो है कि 1,000 रुपया किलो मिलता है गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, गोरखपुर में, जहाँ की घी की पैदाइश ज़्यादा होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, यहाँ पर 200-300 रुपया घी मिलता है, देसी घी जिसको कहते हैं, पूजा वाला घी, और वह सब पशुओं की चर्बी से बनाया जाता है। तो यह जो तथाकथित सनातनी लोग जो बनते हैं, यह धर्म के आड़ में जो है कि अपना धंधा चमकाने के लिए इस तरह लोगों का जो है, लोगों को धर्म भ्रष्ट करने का, पथ भ्रष्ट करने का काम करते हैं। और इस तरह के काम में जो भी शरीक है उसकी मैं कटु निंदा करता हूं, और सरकार को जो इसका संज्ञान लेकर इसके तह तक जाना चाहिए, ताकि कौन लोग जो हैं कि इस तरह के पशुओं की चर्बी से बना हुआ जो है घी के नाम पर चर्बी को सप्लाई करके लोगों को धर्म प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल प्रसाद को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है और गहराना चाहिए भी, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है।
तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जिस तरीके से मिलावट का मामला सामने आया है, अब ये मामला पूरे देश में लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ के सभी मंदिरों में अब जो लड्डू का प्रसाद है वो बैन कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें मनकामेश्वर मंदिर की, तो अब मैं मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ यहाँ विशेष सूचना लिखी गई है कि मंदिर में भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाए जाएं। बाजार से लाए गए प्रसाद तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश की घटना के कारण प्रतिबंधित किए गए हैं द्वारा श्री महंत देव्यागिरी पीठाधीश्वर प्राचीन महाकामेश्वर मंदिर लखनऊ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से विशेष सूचना मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में मंदिर के अंदर लगाई गई है कि अब जो है कि लड्डू का प्रसाद या पेड़े के प्रसाद या मिष्ठान का कोई भी प्रसाद अब मंदिर के अंदर नहीं चढ़ेगा। अगर प्रसाद चढ़ाना है तो सूखे मेवे या उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स या फल का प्रसाद जो है मंदिर के अंदर चढ़ा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी मंदिर में मौजूद हूँ, यहाँ पे भक्त भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूँगा कि जो मंदिर के अंदर जो प्रसाद चढ़ता था आखिर अब बैन हो गया मनकामेश्वर मंदिर में। सर, आप मनकामेश्वर मंदिर में आज दर्शन करने आए हैं, जो यहाँ प्रसाद चढ़ता था आज से बैन हो गया है, तो क्या इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि जो बाहरी और ये मिलावट के सामान और जो तिरुपति बालाजी में ये देखा गया है कि इसमें चर्बी और इन सब सारी चीज़ों का ये जो मिलावट रहा है ये अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत ही गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि भगवान जिनकी हम लोग आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनके लिए शुद्ध चीज ही चढ़े, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है ये, ठीक है, तो इसके बारे में जो हमारे महाराज जी ने जो फैसला लिया हुआ है वो सही लिया है, बाकी जिसकी आप बात करें जाँच चली रही है। ये बहुत अच्छा हुआ है कि प्रसाद जो है बाहर से जब आता था तो उसमें पता नहीं कैसे लाने के बाद ही बरसात में चींटी चढ़ने में आता तो वो वेस्ट हो जाता था, साथ किसी लाने देता, तो ये अच्छा हुआ कि प्रसाद मीठा बंद हो गया। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत हुआ है, इसकी पूरी पूरी जांच होनी चाहिए। जो अपराधी हैं जिन्होंने मिलावट की है उनको सख्त से सजा दी जाए। बिल्कुल, तो ये भक्त देखिए मनकामेश्वर मंदिर में आए हैं, इन ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमारी आस्था के साथ हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे देश में आज हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, पूरे देश में सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग मिलावटखोर में शामिल थे। और आज मनकामेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से उस प्रसाद को, लड्डू जैसे प्रसादों को बैन कर दिया गया, यहाँ पर सिर्फ सूखे मेवे और फल का प्रसाद चढ़ेगा, बाकी और कोई प्रसाद नहीं चढ़ेगा। कैमरा पर्सन धनमेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विकास योजनाओं की सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को विपक्ष के नेताओं पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिला, हमने जाति या खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है तो देश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में विकास का बखान और अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या धाम जगमग हुआ और 5 सदी का इंतजार खत्म हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। सवाल पूछूंगा कि आखिर 500 सालों तक इंतजार क्यों करना पड़ा, जब बटे थे तो कटे थे, इसलिए कह रहा हूं कि बटो मत, ये डबल इंजन की सरकार आप लोगों के साथ खड़े होकर काम करेगी। माँ विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी और माँ विंध्यवासिनी की कृपा से आज क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। आज हमने यहाँ पे उन युवाओं को भी सम्मानित किया है जिन युवाओं ने यहाँ के कारपेट को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में अपना योगदान जो लोग दे रहे हैं, वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में भदोही के एक्सपो मार्ट में भी एक एग्जीबिशन लगने जा रही है, बेहतरीन रूप से दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है और हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों को भी अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने कारपेट को डिस्प्ले करने और नए ऑर्डर प्लेस करने के एक नया अवसर प्राप्त होगा। अभी परसों 25 सितंबर को, 25 सितंबर से लेकर के
29 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हम ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा में चुनाव की घोषणा के बाद से पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार से दूरी बनाने वाली कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी दूर होने के संकेत मिल रहे हैं। दलित नेता शैलजा के चुनावी परिदृश्य से गायब रहने को लेकर कांग्रेस पर भाजपा लगातार निशाना साध रही थी। शैलजा की नाराजगी दूर होने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि वो 26 सितंबर को नरवाना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। शैलजा कांग्रेस में प्रमुख दलित चेहरा मानी जाती हैं और चुनाव में उनके सक्रिय न होने से माना जा रहा था कि पार्टी को दलित वोटों का नुकसान हो सकता था। दूसरी ओर भाजपा को कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कला को लेकर हमला बोलने का मौका मिला था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुंछ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने जनता की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में पहले नरेंद्र मोदी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, लेकिन आज कल आपने देखा उनका मूड बिल्कुल बदल सा गया है। ये नफरत फैलाते हैं, इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। जय भगवान गोयल ने शहदरा मुख्य चौक पर कैंप लगाकर भाजपा राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चलाया। वही मौके पर अनेकों कार्यकर्ता ने इसमें हिस्सा लिया। दिल्ली में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है। वहीं शहदरा मुख्य चौक पर आने जाने वाले लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। जय भगवान गोयल ने बताया कि जो लोग भारत को विश्व गुरु मनाना चाहते हैं उन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है सभी लोग भाजपा राष्ट्रीय सदस्यता के अभियान में हिस्सा लें और देश को समृद्धशाली बनाएं और मजबूत बनाने में अहम योगदान दें। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और नए सीएम आतिशी सिंह पर हमला बोलते हुए जय भगवान गोयल ने कहा दिल्ली की जनता को 10 साल में लूटने का काम किया गया। लोगों में बड़ा उत्साह है। आज हमने अपना कैंप लगाया है और आज के कैंप में खूब भीड़ लग रही है। माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में, बच्चों में सब में बड़ा उत्साह है। सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत हो और हमारा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाए। जो राष्ट्र विरोधी जिहादी शक्तियां देश और विदेश में बैठी हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, मगर आज देश के करोड़ों लोग भारत का विकास चाहते हैं, माताओं बहनों का उद्धार देखना चाहते हैं, इसलिए सभी का भाव है कि मोदी जी के साथ जुड़े, भाजपा के साथ जुड़े। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग पूरे उत्साह के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने आ रहे हैं। आप बात करें तो अब तक कितनी सदस्यता लोग ले चुके हैं? अभी तक लगभग 650 लोगों ने हमारे इस कैंप से सदस्यता ली। राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ बात